और आपको बता दें जो बड़ी खबर है आज की, सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तान में सिख लड़की के धर्मांतरण और जबरन शादी के मामले में ये बड़ा खुलासा। सिख लड़की से जबरन शादी करने वाला लड़का आतंकी हाफिज के संगठन का सदस्य निकला है। सिख लड़की से जबरन शादी करने वाला लड़का आतंकी संगठन जमात उद दावा का सदस्य है। पहले खबर यह थी कि पाकिस्तान की पंजाब पुलिस ने लड़की को घर वालों के हवाले कर दिया है। सिख लड़की के जबरन धर्मांतरण और शादी के मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन ऐसा कोई भी एक्शन, कोई भी कार्रवाई पाकिस्तान पुलिस की ओर से नहीं की गई है। इस बात की पुष्टि की है पीड़ित लड़की के भाई ने। पाकिस्तान नहीं, अल्पसंख्यकों की टॉर्चर फैक्ट्री। मेरे मुतिल के वजन निकाह करने की इजाजत है। इमरान के नए पाकिस्तान की सबसे क्रूर तस्वीर। कल रात को हमारे परिवार के साथ एक बहुत दर्दनाक वाकया हुआ है। कुछ गुंडे रात को हमारे घर पे आए, उन्होंने हमारी छोटी बहन को घसीट के ले गए और उनको जबरदस्ती टॉर्चर करके इस्लाम कबूल करवाया। सुना आपने, ये भाई उस खौफ की दास्ता को बयान कर रहा है जो उसकी बहन पर गुजरी। पाकिस्तान के ननकाना साहिब में सिख लड़की को अगवा कर लिया गया। इस परिवार की बेटी को अगवा कर जबरन इस्लाम कबूल करवाया गया। सिख लड़की का मुस्लिम लड़के से जबरन निकाह करवाया गया। अब उसके परिवार वालों को धमकियां मिल रही है, लेकिन उनकी मदद करने वाला कोई नहीं। ऐसे में परिवार ने इंसाफ नहीं मिलने पर आत्मदाह की बात कही है। वही लोग दोबारा आए और उन्होंने हमें धमकी दी, अगर आप लोगों ने FIR वापस ना लिया तो आप लोगों को भी मुसलमान होना पड़ेगा, अगर आप लोगों ने यहाँ रहना है तो। मेरी PM इमरान खान और चीफ जस्टिस से अपील है, गुजारिश है कि वो हमें इंसाफ करें, हमारे साथ इंसाफ करें, हमें तहफ़ में रखें। जो हमें धमकियाँ दी जा रही है, हमें आगे भी तहफ़ में रखा जाए। अगर ऐसा ना किया गया और मैं 31 तारीख को गवर्नर हाउस के आगे सामने पूरे परिवार के साथ खुद को जला दूंगा। लड़की के परिवार वालों ने 8 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। पीड़ित परिवार ने इस मामले में PM इमरान से दखल देने की अपील की है, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन आज हम इमरान खान को नया पाकिस्तान बनाने के वादे की याद दिलाना चाहते हैं। हमने अपने जो भी माइनॉरिटीज हैं, जो भी अकलियत हैं, हमने उनको बराबर के शहरी बनाना है। और ये सबसे ज्यादा हमने खास तौर पे नरेंद्र मोदी के हिंदुस्तान को बताना है कि हम अपनी अकलियतों को कैसे रखते हैं और आप अपनी अकलियतें कैसे रखते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने ट्वीट किया और विदेश मंत्री से दखल की मांग की। पाकिस्तान के ननकाना साहिब में सिख लड़की के अपहरण और धर्म परिवर्तन कराने की घटना चौंकाने वाली है। इमरान खान इस मामले में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करे। विदेश मंत्री S. जयशंकर को भी तुरंत इस मामले को पाकिस्तान विदेश मंत्री के सामने उठाना चाहिए। दिल्ली में भी इस घटना के विरोध में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। इससे और गिरी हुई हरकत क्या हो सकती है, किस हद तक इमरान खान साहब गिर सकते हैं? मैं कहती हूँ कि ऐसी हरकतों से उनको बाज आना चाहिए और इसको समझना चाहिए कि जो ये हरकतें कर रहे हैं वो पूरी दुनिया में अपने देश को, अपने धर्म को और अपने लोगों को दूसरों की निगाहों में गिरा रहे हैं। इसी साल मार्च महीने में भी सिंध प्रांत में 2 हिंदू लड़कियों को अगवा कर लिया गया था। लड़कियों के पिता ने हर जगह इंसाफ की गुहार लगाई, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। अंत में अगवा दोनों बहनों का जबरन धर्म परिवर्तन कर मुसलमान बना दिया गया। पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमानों का हाल भी बेहाल है। उन पर आए दिन हमले होते रहते हैं। उन्हें पाकिस्तान के बहुसंख्यक मुसलमान मानते ही नहीं। ईसाइयों पर हमले के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, Z मीडिया।